काफिला रहोगा तेरा शेर वर्गार मारा भी शिकारिया मैं नाम बोल मारे की कटिंग करके ना हम डाल देंगे इंस्टाग्राम पे। हाँ ठीक है, और वहाँ पे हम भी मेंशन कर देंगे और साथ में आप भी मेंशन करना ओ अमित भाई को राम राम जी। तो भाई मैं हूँ आपका भाई राहुल सेन। भाई मैं आपका भाई मनीष चौधरी। तो भाई आज आया है बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग सॉन्ग, जब 16 साल का था खलनायक देख ली, बहुत सारे कमेंट आए इस सॉन्ग को लेके, तो हमने सोचा क्यों ना कर लिया जाए। तो भाई आज करेंगे इसी का रिएक्शन। और सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी जानकारी कि भाई ऐसा है कि जब आप कमेंट करते हो ना ये वाला गाना कर दो भाई, ये वाला गाना कर दो, तो हम बैकअप में 2-3 गाने को लेके चलते हैं हमेशा। हाँ जी, ठीक है, आपके ही डिमांडिंग सॉन्ग्स को। और सबसे जो दूसरी बात, भाई हम दोनों हैं जॉब करने वाले, हाँ। तो हमें थोड़ा शाम के टाइम ही टाइम मिलता है, तो प्लीज अगर हम इतना एडजस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप भी करो, और थोड़ा बहुत ऊपर ही चलता है उस चीज को इग्नोर मारो। ठीक है जी, तो चलो चलते हैं अपने गाने की तरफ। ढूंढा घेड़ा मुझे घेड़ा लिख रहा है डायलॉग तो एक नंबर है। मोर म्यूजिक प्रेजेंस राजेश मोर पर तेरी आई। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। बिल्लू सांडा सब 16 साल का था खलनायक देख ली रे, उस दिन तक गाड़ी में बत्ती वो देख ली। संजय दत्त की फोटो पर चीटे लग रहे भाई साहब। पर भाई देखो एक चीज ना ये भी है, जितने भी थोड़े वो रहे ना खड़तू, मतलब बोले ना कि लड़ने भिड़ने तैयार, कहीं ना कहीं उनके अंदर संजय दत्त के लिए अलग एक स्पेस होता है, फैन बेस उनका बहुत तगड़ा होता है उनके लिए। संजीदा दी हूँ जी मैं। फस गया जो साला टांग गया तेरे यार ने, फस गया जो साला टांग गया तेरे यार ने, अरे जित वीर सवार पर करसा, अरे जिस असले न रखस लको पे दुनिया, उस असले का यार फिके चिडा, उस असले का यार व्यापार करसा, उस असले का यार व्यापार करसा। इस गाने की कंट्रोवर्सी अगर आपको ना पता हो ना, तो इस गाने को लेके अमित भाई पे थोड़ा केस वेस भी चल गए थे, क्योंकि जो हथियार दिखा रखे हैं ना सारे असली हैं इसमें। हाँ हाँ आ तो तू लाड ले रखी तलावा, मेरी समझत बार सही तेरे ढूंढ रे रमाई गैल बेर लागर देखे, रे तू बैठ के न सोच की न देस धमकी, रे तू बैठ के न सोच की न देस धमकी, और मौत का समान हम त्यार को रसा, असला लगा रखा का। ओ ये 16 साल का था ना, टू भी आना चाहिए। हाँ, सही बताऊं आना चाहिए। अमित भाई के करियर को ना बूम तो इसी गाने से मिली है, मतलब और भी गाने हैं पर ये भी एक उनमें से गाना ही है। काफिला रहोगा तेरा शेर वरगार मारा भी शिकारिया मैं नाम बोल से, मारे होंगे लाड ले तने ये गुत्ता बिल्ली, और मारा तो विदेशों में भी काम बोल से, रे यो सूरज खटक लिखे गीत शौक में, सूरज खटक लिखे गीत शौक में, आर पीछे दिल पहनायो विचार कर से। भाई साहब लिरिक्स जो जिसने सूरज खट्टक ने भाई ने गाना लिखा है, उन्होंने साथ में अपने लिए भी बात कह दी कि हम तो शोक में लिख रहे हैं, पैसे दे ले पे विचार ना करते हैं। और लिरिक्स एक नंबर है भाई, एक नंबर है, एक नंबर। रजिस असले न रखस लको पे दुनिया, उस असले का यार, रउस असले का यार व्यापार करा सा, रउस असले का यार व्यापार करा सा। अरे मैं ये
ये कम खत्म होगा भाई सुनते सुनते यार भाई, मतलब कुछ गाने ऐसे है ना जो अमित भाई के पता ही नहीं लगते कब खत्म हो गए। 2 मिनट 47 सेकंड का पूरा गाना शुरू से लेकर एंड तक। बाकी गाना भाई हमें भी पता, आपको भी पता, कोई कहने वाली बात है नहीं। ठीक है जी, 16 साल का था, बदमाशी देख ली। और ये गाना ऐसा था कि भाई साहब जब न्यूज व्यूज आई थी ना इस गाने की, तो न्यूज में भी यही गाना चल रहा था कि भाई साहब हरियाणा के एक सिंगर अमित सैनी रोहतकिया जिनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वो मतलब असली क्या बोले ने असले को असले नहीं यार जो भी गोला बारूद इनका गाने में असली में इस्तेमाल कर रहा था ना, तो भाई साहब इस चक्कर में मैटर हो गया था भाई के साथ। मेरे को ये था कि नहीं कि अमित भाई की जो आज लुक है ना वो अगर इस गाने में होती ना भाई साहब, यही तो एकदम लटवाड़ भाई। तभी तो यूं कह रहे हैं कि इसका वर्जन 2 भी आना चाहिए, पर हमारी बात भाई तक पहुंचाएगा कौन? अगर पहुंचाना चाहते हो ना तो भाई एक काम करना, इसकी कटिंग करके ना हम डाल देंगे इंस्टाग्राम पे। हाँ ठीक है, और वहां पे हम भी मेंशन कर देंगे और साथ में आप भी मेंशन करना वो अमित भाई को। ठीक है फिर देखते हैं कुछ काम होता है तो। चाहते हैं कि तू जरूर आए। और क्या भाई साहब, तो भाई हर चीज खतरनाक है, बस ये है कि कितने साल पुराना, 4 साल पुराना गाना है, और 4 साल में अब मैं तो भाई साहब बुलेट बम से पूरा एटॉमिक बन चुके हैं हमारे भाई। ठीक है जी, तो ये था भाई गाना, कोई ऊपर नीचे भूल चुक वैसे तो हमने करी ना, पर हुई हो तो माफ करना। और बाकी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे और थोड़ा भाई एडजस्ट कर लिया करो, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम की कमी होती है जी। ठीक है जी, तो करते हैं आपसे अलविदा, इसी के साथ बोलते हैं हम आपको राम राम जी।